सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम के बारे में। अपोलोनियस के थ्योरम्स पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो आपको बता दिया जाना ज़रूरी समझता हूं मैं कि आपके पूरे सिलेबस में, पूरे टेक्स्ट बुक में जो अपोलोनियस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 7 क्वेश्चंस हैं सॉल्व प्रॉब्लम को मिलाकर। तो पहले देख लेते हैं अपोलोनियस थ्योरम कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, अगर किसी ट्राइंगल में, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर यह है ABC, इसमें एक सेगमेंट है, यानी ये जो एक कता है जिसका नाम है, समझिए AP है ना। ये AP एक ऐसा कता है जो ज़िला BC का वस्तानिया है, यानी सेगमेंट AP इज़ अ मीडियन ऑफ अ साइड BC। तो ये मीडियन की वजह से ये जो BC है वो बराबर मतलब डिवाइड हो जाता है, रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2:1 में कन्वर्ट होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से लिखना ज़रूरी होता है कि इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज़ अ मीडियन ऑफ साइड BC, therefore by अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है मैं बताता हूँ, है ना। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × जो सेगमेंट हमारा मीडियन है उसका, 2 × AP का स्क्वायर, यानी मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 × ये कोई भी आधा हिस्सा ले सकता है, ये वाला या तो ये वाला, नॉर्मली ये ज़्यादा करके लिया जाता है 2, है ना, BP का स्क्वायर। तो ये जो है वो फॉर्मूला जो अपोलोनियस थ्योरम कहलाता है। अब इसी थ्योरम का हम यूज़ करते हुए जो हमारी 2.2 एक्सरसाइज है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं और प्रॉब्लम सेट नंबर 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन हैं, पूरे मिला के 7 क्वेश्चन है, वो 7 क्वेश्चन हम आप इस वीडियो में उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 41 पर एग्जांपल नंबर सॉल्व प्रॉब्लम दी गई। इसमें दिया गया है कि इन फिगर PQR PM इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल PQR ऑफ साइड QR। तो PM का वैल्यू हमको 9 दे दिया गया है, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू हमको 290 दिया गया है, और QR का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लाइन लिख कर आ जाए कि दिस साइड इज़ अ मीडियन ऑफ अ दैट साइड, तो समझ जाना चाहिए आपको कि अपोलोनियस थ्योरम इसमें यूज़ होगा। तो देखिए, हमको कुछ इस तरह से लिखना है, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM इज अ मीडियन ऑफ साइड QR, ऑफ साइड क्या है QR का, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR। ये दो लाइन आपको लिखना होता है, अगर आपने ये दो लाइन नहीं लिखी तो आपके एक मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए, ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगाना है। तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड का एडिशन ऑफ देयर स्क्वायर का लिखने के बाद आप 2 × पहले जो मीडियन है उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस 2 × इसका जो हाफ है QM उसका स्क्वायर ले लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखो, इतने इसी की हमको वैल्यू दी हुई है 290, ये 290 हमने रख दिया। PM का वैल्यू हमको 9 दिया गया, तो हम 9 भी रख देंगे। देखो अभी जो फाइंड करना है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, है ना। तो 290 ये फिर से एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर कितना जाएगा, 81 हो जाएगा, 2 QM स्क्वायर, ये फिर से एज इट इज़, है ना, ये 290 फिर से एज इट इज़ जैसे का वैसे ही, इतना ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 162, है ना, ये टोटल कितना जाएगा 162 हो जाएगा, 2 QM स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 290 के माइनस में 162 को ले लेंगे, और यहाँ पे 2 QM एज इट इज़ रहेगा, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 हो जाएगा शायद, है ना। तो 290 में से पहले ज़रा फाइंड कर लेते हैं, 162 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ से समझ लो 8 बचा, इधर 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8,
ये 2 है ना, 128 बचा ना, तो 2 क्यू एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे मालूम है, ये जो 2 है ना 128 के अपॉन में लेकर आएंगे कुछ इस तरह से, हमको क्यू एम फाइंड करना है, हम क्यू एम इधर लेने देंगे, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 4 8, तो क्यू एम का वैल्यू कितना आया, क्यू एम इज इक्वल टू 64, क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू कितनी 64 है, तो सिर्फ क्यू एम कितना आ जाएगा, ये रूट में चलेगा 64, तो 8 बन के बाहर आ जाएगा, तो क्यू एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन हमको पूरा क्यू आर फाइंड करने के लिए कहा है, तो क्यू एम क्या होता है, क्यू एम और एम आर दोनों 8 8 आ गए समझ लो, तो क्यू एम और एम आर दोनों है ना हाफ होते हैं किसके, पूरे क्यू आर के, है ना, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे 8 रख देंगे, दोनों सेम है ना, इंटू क्यू आर, 8 2 8 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा 2, तो क्यू आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो 8 2 16, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ये हमारा 16 आ गया। बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे ही सोल्यूशन आपके जो प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी हमको यहाँ दिया गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, और बोलता है कि पी क्यू का वैल्यू 1 है। देखिए यहाँ पे फिगर नहीं बनी है, हम फिगर पहले बनाएंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से फिगर बनना चाहिए, ये हम बना रहे हैं इधर पे, तो इसका नाम है पी क्यू आर, तो ये पूरा पी एस ऐसा बनेगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जो पॉइंट एस है ना ये मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो पी क्यू का वैल्यू हमको दिया है 11, पी आर का वैल्यू दिया हमको है ना 17, और पी एस का वैल्यू हमको 13 दिया गया है, तो बोलता है कि पूरा क्यू आर फाइंड कीजिए। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने ये सॉल्व प्रॉब्लम पहले सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होने वाला है। तो आगे देखिए आप, सबसे पहले पूरा जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है हम पूरा लिख लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, पॉइंट एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर है ना, देयर फोर बाय अपोलोनियस इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय अपोलोनियस थियरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले पी क्यू का स्क्वायर प्लस फिर पी आर का स्क्वायर है ना इक्वल टू 2 into जो मीडियन है पी एस उसका स्क्वायर प्लस 2 into क्यू एस का स्क्वायर, यानी आधा हिस्सा, ये सबके वैल्यू लिख देंगे, पी क्यू का स्क्वायर कितना है 11 का स्क्वायर, पी आर का वैल्यू कितना है 17 का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेगा, सबका स्क्वायर निकालेंगे हम सबसे पहले, तो 11 का है 121 और 17 का है 289, और ये 2 into 13 का स्क्वायर 169 आता है, 2 into क्यू एस का स्क्वायर, देखिए ये सब हमने कर लिया। अब इसका जो एडिशन होता है हम यहाँ निकाल लेंगे 121 एंड 281 9 कितना हो जाएगा, ये 10 11, तो 410 हो जाएगा ना, 410 ही आ गया, और ये कितना है 2 9 18 कैरी 1, 2 6 12 113 कैरी 1, 2 1 2 और 338 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 410 के माइनस में 338 को लेकर आएंगे, 338 यहाँ आ जाएगा माइनस में, 2 क्यू एस स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो 410 में से 338 माइनस हुआ तो कितना करे बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 72 आ जाएगा हमारे पास है ना, तो ये 72 बचा इधर 2 क्यू एस का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 72 के अपॉन में ये 2 को ले लेंगे और क्यू एस इधर एज इट इज ही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 3 6 एक बचा 2 6 12, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 36 आया, तो क्यू एस के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट में चले जाएगा, तो ये 6 बन के भरा जाएगा क्यू एस, तो देखिए क्यू एस और एस आर दोनों 6 आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों आधे होते हैं है ना, क्यू एस और एस आर ये दोनों आधे हैं किसके, पूरे क्यू आर के, और दोनों का वैल्यू 6 है, तो 1/2 इंटू क्यू आर, तो हम क्या करेंगे क्यू आर यहीं रहने देंगे, 6 into 2 यानी 6 2 12 देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा है ना। सिंपल था, एकदम ईजी है, बहुत आसान है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में रहता ही है पेपर में। तो देखिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर टू आपके पास हैं। इधर लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी, एबी का वैल्यू 10 है, एसी का वैल्यू 7 है, बीसी का वैल्यू 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू द एबी। तो पहले हमको ना फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें फिगर बनी नहीं है। तो इसने बोला है कि पॉइंट सी से एबी पर, तो एबी पर मतलब एबी नीचे आएगा है ना, और पॉइंट सी ऊपर आने वाला है। तो अब ये मीडियन का नाम भी नहीं देता हमको, अपने से देना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना सी एम ले लेता हूँ मैं ना। तो ये हमको फाइंड करना है, सी एम का वैल्यू फाइंड करना है ना। ए बी का वैल्यू कितना दे दिया हमको पूरा, ये 10 दे दिया है, और बी सी का वैल्यू कितना है, 9 दे दिया है, ए सी का वैल्यू 7 है। तो बोलता है कि हमको पूरा मीडियन का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमारे जो फॉर्मूला होता है अपोलोनियस का, इसमें हम यह हाफ पॉइंट रखते हैं इसका। तो इसका पहले हाफ निकाल लेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करने से पहले। तो हमेशा बताएंगे कि ए एम और एम बी जो है, ये दोनों है ना हाफ होते हैं किसके, पूरे ए बी के। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 10 है, तो हम 10 रखेंगे। 2 × 2 = 10 यानी 5 आ गया, यानी ए एम और एम बी दोनों का वैल्यू कितना है, 5 आ गया हमारे पास है ना। अब हम इसमें यूज़ करेंगे, बताएंगे पहले ऐसे कि भाई जो सी एम है इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सी एम इज़ अ मीडियन, इज़ अ मीडियन ऑफ साइड ए बी है ना, साइड ए बी। देयर फोर बाई यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, अपोलो नियस थ्योरम इन ए सी बी, ए बी सी। तो कैसा यूज करेंगे, पहले ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 × जो हमारा मीडियन है यानी सी एम का स्क्वायर प्लस 2 × उसका जो हाफ पार्ट है हमने जो पहले फाइंड किया उसका स्क्वायर, 2 × ए एम स्क्वायर है ना। ए सी का वैल्यू जाएगा हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर, और सी बी हमारे पास 9 दिया इसलिए 9 का स्क्वायर इक्वल टू सी एम, तो हमको फाइंड करना ये एज इट इज़ रहेगा। प्लस 2 × ए एम कितना लाया हमने, 5 लेकर आए, तो 5 रख देंगे इधर पे, 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 इज इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर, फिर से एज इट इज़ इक्वल टू 2 × ये 25 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 10 कैरी 130 आ जाएगा है ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 सी एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 50। अब हम 50 को अगले स्टेप में 130 के माइनस में भेजेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हमको सी एम का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो 130 में से 50 जाएगा तो 80 बचेगा है ना। तो 2 सी एम स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, इक्वल टू ये हो जाएगा 80। तो सी एम स्क्वायर ऐसी रहेगा, 80 के अपॉन में 2 आएगा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो 2 × 2 = 2 = 4 = 8 यानी 40 हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब सी एम पे से स्क्वायर हटा देंगे हम, तो ये क्या जाएगा 40 अंदर चले जाएगा रूट में। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम 4 × 10 है ना, तो 4 क्या है 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो 2√10 ये सी एम का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ एंड हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो आपके 2.2 प्रैक्टिस सेट में है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक है अपोलोनियस थ्योरम इसमें यूज़ होगा। इस वीडियो में आप जितने भी अपोलोनियस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का सलूशन आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, नियस थ्योरम इन ए ए बी सी है ना। तो देखिए यहाँ पर पूरा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू 290 दे दिया है, ए एम यानी मीडियन का वैल्यू 8 दिया है। तो बोलता है पूरा जो साइड है बी सी वो फाइंड करना है, तो पहले हमको आधा फाइंड होगा इससे है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × ए एम का स्क्वायर प्लस 2 × बी एम का स्क्वायर है ना। तो ये हमको डायरेक्ट इतनी हिस्से की जगह कितनी दी है, 290 दे दिया है पूरा, इक्वल टू 2 × ए एम कितना दिया, 8 दिया है ना, ए एम का वैल्यू 8 दिया ना, तो 8 रख देंगे। अब ये एज इट इज रहेगा बी एम स्क्वायर
टू बीम इसको सेम रहेगा, तो 290 इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर जितना 64 प्लस 2bm फिर से एज इट इज़ है ना, तो कितना हो जाएगा ये 290 एज इट इज़ रहेगा, 24 जा 8 और 26 जा 12 तो 128 आ गया ये, और 2bm स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा है ना। अब क्या करेंगे, 290 में से 128 हम माइनस करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने इससे पहले सॉल्व किया था तो कितना था 162 आया था, तो ये 162 आ जाएगा, तो 2bm स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 2 है अपॉन में आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से जाएगा bm स्क्वायर इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो कितना यहाँ 2 जा 2, 26 28 जा 16 एंड 2 जा 2 तो 81 आ जाएगा ये bm स्क्वायर, तो bm पे से जब स्क्वायर हटेगा ये रूट में जाएगा 81, तो क्या आ जाएगा 9 बन के बाहर आ जाएगा bm, तो ये bm का वैल्यू हमारे पास 9 आ चुका है, लेकिन हमको पूरा bc फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे bm इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ये 9 आ चुका है ना, तो हम क्या करेंगे ये दोनों को है ना हम आधे बताते हैं है ना, ये दोनों आधे ही रहते हैं वैसे किसके पूरे पूरे बी सी के है ना, बी एम और एम सी दोनों आधा है पूरा बी सी का, तो 9 यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू बी सी, तो बी सी यहाँ रहेगा 9 के मल्टीप्लाई में 2 चले जाएगा, तो 2 9 से 18 आ जाएगा, देयरफॉर हमारा जो बी सी है साइड बी सी वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये थे जो और क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 2 में। प्रॉब्लम सेट नंबर 2 में भी दो क्वेश्चंस हैं, हम वो दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल एबीसी में सेगमेंट एपी जो है मीडियन है और बीसी का वैल्यू 18 है, तो एबी और स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का वैल्यू 260 दिया है, तो हमको मीडियन का जो वैल्यू है फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम पहले एक काम करेंगे यहाँ पर एक फिगर बना देंगे इससे रिलेटेड, तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी, इसमें जो ये बन जाएगा हमारा ए पी है ना, ए बी सी, तो ये हमारा ए पी हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू हमें हमारे पास 18 दिया है और इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर ऑफ एडिशन 260 दिया है, तो सबसे पहले हम इसका हाफ पॉइंट जो है ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है हमारे, तो पहले हम क्या करेंगे बी पी और पी सी दोनों आधे होते हैं है ना, हाफ होते हैं किसके पूरे बी सी के, बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 18 दिया है, तो 1/2 इंटू बी सी वैल्यू 18, तो 2 9 जो 18 यानी 9 आ जाएगा, पी बी और पी सी इक्वल टू है ना 9 आ गया। अब हम इसमें अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी कैसा यूज होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जो मीडियन है हमारा ए पी उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका हाफ पॉइंट 2 बी पी स्क्वायर है ना। अब इतना हिस्सा तो हमको दिया गया है 260 ये रख देंगे, ए पी एम को फाइंड करना एज इट इज रहेगा, 2 इंटू बी पी का स्क्वायर कितना, बी पी कितना लाया हमने 9 लगा, तो 9 का स्क्वायर लगा देंगे इधर पे, तो 260 फिर से एज इट इज़ 2 ए पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ये 260 फिर से एड इज 2 ए पी स्क्वायर वैसी के वैसी 2 एड 16 और 2 वन 2 162 हो गया। तो देखिए 260 में से 162 इधर माइनस में लेकर आ जाएंगे इसको, और 2 ए पी हमारे पास यहाँ ऐसे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये बचेगा 98 बचेगा। देखिए करके देखते हैं यहाँ पर 260 में से 162 माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो बाजू में से लेंगे 10 हुआ 10 2 गया तो 8 5 में से नहीं आता यहाँ बचेगा तो ये 98 इस तरह से। तो देखिए 2 ए पी है ना ए पी स्क्वायर हम क्या करेंगे मालूम, मैं 2 को है ना 98 के अकाउंट में ले लेंगे, यहाँ ऐसा आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा वो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 एक बचा 18 बने 2 9 ज़ा 18 तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आना, आपको तो पता ही होगा इसका स्क्वायर क्या होता है, तो ए पी जैसे स्क्वायर हटेगा और ये स्क्वायर है ना रूट में चला जाएगा और ये 7 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो 7 का स्क्वायर है ना ये, देयरफॉर आवर मीडियन इज 7। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व होगा, देखते हैं यहाँ पर कैसे।
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो पीएम है वो मीडियन है पीक्यूआर का। तो पहले बना लेते हैं हम लोग एक छोटा सा फिगर समझने के लिए। सबसे पहले ऐसा रफ फिगर बना लेना ज़रूरी है। इसका नाम है पी पी क्यू आर, तो पी एम नाम दिया ना इसका, तो पी एम है हमारा मीडियन। तो ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे। तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर हमको 40 दिया गया है, पी आर का वैल्यू हमको 42 दिया गया है, पी एम का वैल्यू 29 दिया गया है। तो हमको पूरा क्यू आर फाइंड करने के लिए कहता है। तो हम क्या करेंगे इसमें पूरा लिखेंगे ऐसा कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन, इज अ मीडियन, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि भाई बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, देयर फॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, है ना, अपोलोनियस के मसले से थ्योरम इन पी क्यू आर। देखिए थ्योरम का स्पेलिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टी एच एम, मैंने आप पूरा लिख लेना। तो देखो अब क्या होता है फॉर्मूला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एम का स्क्वायर, है ना। पहले हाफ फाइंड होगा, देन फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरा क्यू आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर कितना है, पी क्यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू कितना है 42 का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का वैल्यू 29 है, तो 29 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एम का स्क्वायर, है ना। अब इसके स्क्वायर्स हमको पता होना चाहिए, 40 का तो मतलब 1600 आ जाएगा, प्लस 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं कितना आएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 फोर ज़ा 8, है ना, 4 टू ज़ा 8, 4 फोर ज़ा 16, तो 4 1764 इक्वल टू, देखिए 29 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 841 प्लस ये 2 क्यू एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1600 और 1764 कितना आ जाएगा, ये 4633364, है ना, 3364 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 into 2, 2 4 8 or 2 8 16 प्लस 2 क्यू एम स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको हम माइनस में ले लेंगे, 3364 के माइनस में 1682 माइनस में जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं इसका कितना आएगा, हम यहाँ पे 3364 में से 1682 माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 6 में से तो नहीं जाता है, बाजू में से लेंगे यहाँ 2 बचाएगा तो ये 8 आ जाएगा, 2 में से भी नहीं जाता बाजू में से ले लेंगे तो 6 बचेगा और ये 1682 बचेगा। 1682 इक्वल टू 2 क्यू एम का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए 1682 के अपॉन में ये 2 चला जाएगा तो हमारे पास क्यू एम यही रहेगा एज इट इज़ क्यू एम का स्क्वायर। तो क्या जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 8 16 2 4 8 एंड 2 1 2। तो देखिए क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 841 आया। अब आपको तो पता ही है 841 किसका स्क्वायर था, हमने 29 का स्क्वायर निकाला था ना, 841 वही है। तो ये रूट में जाएगा पहले ऐसे 241 841 और ये 29 बन के बाहर आ जाएगा। तो क्यू एम का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया। लेकिन हमको पूरा क्यू आर फाइंड करना है, अभी तो हमारे पास सिर्फ क्यू एम ही आया, पूरा क्यू आर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, है ना। तो क्यू एम का वैल्यू हम 29 लिख लेंगे, 1/2 क्यू आर एज इट इज़, 29 इंटू 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, वो डिवाइड वाली चीज़ है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 9 18 एंड 2 4 5 8 तो 58 आ जाएगा आंसर। देयरफॉर हमारा क्यू आर कितना जाएगा, 58 आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो अपोलोनियस थ्योरम पर बेस्ड है वो भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे अपोलोनियस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर में वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सेगमेंट AM जो है हमारे पास मीडियन है ट्राइंगल ABC का। पहले फिगर बना लेते हैं तो हमको ये समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। ये फिगर हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये हमारे पास AM बन गया, AM और ये ABC ट्राइंगल, है ना। तो AB का वैल्यू हमारे पास 22 है, BC का वैल्यू हमारे पास 24 है और
एसी का वैल्यू हमारे पास 34 है, तो हमको एपी का वैल्यू फाइंड करने बोलता है, तो हम पूरा गिवन में ऐसे लिख देंगे जिस तरह से यहाँ पर जो पहली लाइन है हमारी, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एएम इज अ मीडियन, है ना, ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम इन एबीसी, तो कैसे लगाएंगे हम, तो पहले एबी का स्क्वायर प्लस फिर एसी का स्क्वायर इक्वल टू इंटू जो हमारा सेगमेंट एएम है उसका स्क्वायर प्लस टू इंटू उसका जो हाफ पॉइंट है बीएम। देखिए हमने यहाँ पर बीएम का वैल्यू फाइंड नहीं किया, हमें पहले कर लेना चाहिए था, तो यहाँ पर मैं साइड में कर लेता हूँ। बीएम जो है वो हाफ है पूरा बीसी का, तो बीसी का वैल्यू हमारे पास कितना है 24, तो 2 × 2 = 4 यानी कितना 12 आ गया बीएम का वैल्यू। ये आपको पहले सॉल्व करना है, ये ज़रा मैं भूल गया था, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास एबी का वैल्यू 22 दिया है, एसी का वैल्यू हमारे पास 34 है और एएम का तो वैल्यू हमको फाइंड करना है एज इट इज़ रहेगा, 2 × बीएम का वैल्यू हमने 12 निकाला है ना। तो देखो 22 का जो स्क्वायर है 484 होता है और 34 का स्क्वायर 1156 होता है, ये एज इट इज़ रहेगा, 2 × ये 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, देखिए साइड में अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, कितना हो जाएगा ये 1156 484, तो ये 6 × 10 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 4 16 1 6 4 0 है ना, तो 1640 इसका एडिशन आ गया, ये 2m स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस ये हो जाएगा 2 × 4 = 8 एंड 288 हो जाएगा है ना, तो 1640 के माइनस में 288 इधर आ जाएगा, 2m स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये हम 1640 में से 288 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो इधर 3 बचेगा और 10 में से गया तो 2, 3 में से भी नहीं आता, यहाँ 5 बचेगा तो 5 बचा, 5 में से 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13 1352, तो 1352 हमारा ये माइनस करने पर हमको नंबर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 1352 के अपॉन में 2 को भेजेंगे, यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 1352 है ना, तो am स्क्वायर एज इट इज रहेगा हमारे इधर पे 1352 के अपॉन में 2 चले जाएगा, तो 2 से करते हैं कितना आएगा, 2 × 2 = 2 2 6 = 12 है ना, एक बचा 2 7 = 14 एक बचा 2 6 = 12 तो 676 आता है। अब देखिए एम पे से स्क्वायर हटेगा, ये अंदर चले जाएगा 676 और ये जो है वो 26 का स्क्वायर है, तो एम का वैल्यू कितना आएगा 26 आ जाएगा, तो यही फाइंड करना था हमको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इसका सलूशन है क्वेश्चन नंबर 18 का समझ में आया होगा, और इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं अपोलोनियस थ्योरम पर ये सारे एंड होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस चीज़ को देखने के बाद बार बार रिपीट कीजिए, लिखिए इसको, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए आता ही है, और इसे वीडियो देखने के बाद इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।